हेलो दोस्तों, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि आईसीएमआर ने जो नई गाइडलाइंस जो इस्टेब्लिश की है अभी, कि टेस्टिंग किसको कराना है टेस्ट और किसको टेस्ट नहीं कराना है। तो जो अभी जो रिवाइज गाइडलाइन है 20 तारीख की, उसके हिसाब से आईसीएमआर ये कहता है कि टेस्टिंग के लिए जो भी पेशेंट सिम्टोमेटिक हैं, जिनको सिम्टम्स आ रहे हैं ऑलरेडी और जिनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा है, उन सभी को सार्स कोविड-19 टेस्ट कराना है या उनका सभी का टेस्ट किया जाएगा। और उसके अलावा इन्होंने जो अभी जो रिवीजन जो दिया है, उसमें रिवीजन इस चीज़ का है कि जो भी लोग किसी भी पॉजिटिव केस के क्लोज़ कांटेक्ट में आए हैं और वो उनके उनको नज़दीकी हैं और क्लोज़ कांटेक्ट में आए हैं, तो उन सभी लोगों का भी सार्स कोविड-19 टेस्ट होना ज़रूरी है और उनका करवाया जाएगा। ये अभी लेटेस्ट गाइडलाइन है। उसके अलावा दूसरी गाइडलाइन है इसके साथ में, जो जो पहले से अवेलेबल थी, जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं जो कि किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो उनका भी टेस्टिंग के लिए ऑलरेडी पहले से ही गाइडलाइन में लिखा गया है। तो ये है बेसिकली गाइडलाइन जो इस समय लागू है, स्पेशली कि सार्स कोविड-19 टेस्ट किसका होना है। तो किसी भी जिस किसी को भी सर्दी या जुखाम या कह लीजिए खांसी है बहुत ज़्यादा, तो उन सब के लिए ये टेस्ट एकदम से नहीं रिकमेंडेशन किया है कि किसी को भी जाके नहीं कराने के लिए नहीं करना है, एकदम से भीड़ इकट्ठी नहीं करना है। ये अभी लेटेस्ट गाइडलाइन। इसके अलावा आईसीएमआर ने एक और गाइडलाइन या कह लीजिए एक और रिवीजन किया है अपनी पॉलिसी में। वो रिवीजन इस चीज़ का है कि जितने भी प्राइवेट डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज़ हैं, उनको भी सार्स कोविड-19 टेस्ट के लिए अप्रूवल देना चालू कर दिया है। और अभी तक 2-3 बड़ी लैब्स ने इसके लिए ऑलरेडी प्रपोजल भेजा हुआ है, और देखेंगे हम 2-3 दिनों के अंदर ये इन लैब्स में ये टेस्ट चालू हो जाएगा। तो जो टेस्ट को लेके जो सबसे ज़्यादा भ्रम है कि टेस्ट जिनको भी लगता है कि सस्पिशियस लगता है जिस किसी भी पेशेंट्स को कि हमें टेस्ट करा के कंफर्म कर लेना चाहिए, तो वो शायद वो दुविधा भी जल्दी दूर हो जाएगी, क्योंकि अब प्राइवेट जो ऑपरेटर्स हैं, प्राइवेट डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज हैं, उनको भी गवर्नमेंट ने परमिशन देना चालू कर दिया है। और वो जिनके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है या जो लेबोरेटरीज पहले से ही H1N1 का टेस्ट कर रही थी, जिनके पास बायोसेफ्टी लेवल 4 और बायोसेफ्टी लेवल 5 की फैसिलिटीज ऑलरेडी थी, एंड दे आर आल्सो ऑलरेडी डन डूइंग बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस और न्यूक्लिक एम्प्लीफिकेशन टेक्निक्स, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के ICMR के द्वारा जो कंफर्म करी हुई टेक्नोलॉजी है या जो वैलिडेट करी हुई टेक्नोलॉजी है, वो यूज़ कर रही हैं लेबोरेटरीज, उनको उन्होंने अनुशंसित करने का कर दिया गया है। तो अब 3-4-5 दिन के अंदर ये स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।